तो देखिए, आज की वीडियो एक शॉर्ट वीडियो होने वाली है, लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। क्योंकि देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास एमएस वर्ड में कोई पेजेस है जो पोर्ट्रेट में है या लैंडस्केप में है, और आप एक पेज पे दो पेज प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या सेटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, आइए देखते हैं। तो जैसे कि देखिए, हमारे पास ये वाला डॉक्यूमेंट है एमएस वर्ड का। अभी देखिए, हमारे पास ये दो पेजेस है, अभी दोनों पेजेस पोर्ट्रेट में है, और अगर हमें ये दोनों पेजेस देखिए प्रिंट करने हैं एक ही पेज पे, तो हम क्या करेंगे, हम प्रेस करेंगे यहाँ पे कंट्रोल पी। तो आपके सामने देखिए प्रिंट की यहाँ पे विंडो ओपन हो जाती है। और अगर आपने दोनों पेजेस एक ही शीट पे प्रिंट करने हैं, क्योंकि हमें कई बार ज़रूरत पड़ती है कि हमें बहुत सारे पेजेस हो और दो पेज हम एक शीट पे यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट की विंडो पे जैसे ओपन होगी, यहाँ पे वन पेज पर शीट है ना, यहाँ पे हम कर देंगे टू पेजेस पर शीट। और जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट की कमांड दूंगा, तो आप देखेंगे आपकी दोनों यहाँ पे जो पेजेस है वो एक शीट पे प्रिंट हो गए, वो भी बिल्कुल परफेक्टली। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आपकी पेजेस लैंडस्केप में हो, आइए देख लेते हैं वो भी। तो जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास पेजेस है, अगर मैं यहाँ पे लेआउट में जाके अगर इसके ओरिएंटेशन में यहाँ पे लैंडस्केप कर लेता हूँ, जैसे कि ये वाला, अब देखिए अभी भी यहाँ पे दो पेजेस हैं। और अगर इस बार मैं यहाँ पे कंट्रोल पी बटन प्रेस करूँगा और यहाँ पे टू पेजेस करा, और अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट की कमांड दी, तो आप देखेंगे ये वाले पेजेस है देखिए प्रिंट हो गए हैं। प्रिंट होने के बाद ये लैंडस्केप साइड टू साइड आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता था कि एक पेज यहाँ पे टॉप पे आए और उसके नीचे ही यहाँ पे दूसरा पेज आ जाए, ताकि इसका फॉन्ट भी प्रॉपर आ जाए और आपका पेजेस है ना प्रॉपरली एडजस्ट हो जाए, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी सेटिंग है एमएस वर्ड में जो आपने ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी डॉक्यूमेंट है ना उसको सेव कर लेना है पीडीएफ फॉर्मेट में। तो पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करने के लिए मैं जाता हूँ फाइल में, और इसको क्लिक कर लेता हूँ सेव एज पे। ब्राउज पे जाके यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, लेट से डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ, लेट से पीडीएफ के नाम से सेव कर लेता हूँ। और जो वर्ड का डॉक्यूमेंट है ना, इसको भी मैं पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, पीडीएफ यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने सेव पे क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ये वाला जो पीडीएफ है, ठीक है, ये सेव हो गया है। जस्ट मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद इसको कर लेता हूँ ओपन विद अडोब एक्रोबैट। तो आपके सामने देखिए डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। अब मैं इसका प्रिंट देता हूँ कंट्रोल पी बटन प्रेस करके। तो आप देखेंगे यहाँ पे देखिए प्रिंट की विंडो ओपन हो रही है। अब हमने दो पेजेस प्रिंट करने हैं, तो जस्ट मैं यहाँ पे पेजेस जाता हूँ, वन और टू यहाँ पे मैंने लिख लिए, वैसे जो भी आपके पेजेस हो यहाँ पे आपने लिख लेने हैं। अभी आपको देखिए प्रीव्यू इस ढंग से दिख रहा है, मतलब ये वाला पेज और सेकेंड पेज ये वाला। अब मैंने यहाँ पे मल्टीपल पेजेस प्रिंट करने, मतलब एक पेज पे दो पेज, तो जस्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मल्टीपल में। मल्टीपल में जाने के बाद पेजेस पर शीट पर मैं यहाँ पे दो पे क्लिक कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे दो पेजेस साइड टू साइड दिख रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए थे कि ये पोर्ट्रेट में ऊपर यहाँ पे एक पेज आए और उसके नीचे यहाँ पे दूसरा पेज आ जाए। तो उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने प्रिंटर सेलेक्ट कर लिया, और जाना है इसकी प्रॉपर्टीज़ में। वैसे कोई भी आपका प्रिंटर हो, आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा ओरिएंटेशन का, आपने इसको पोर्ट्रेट की जगह रख लेना है लैंडस्केप, दैट सेट। अब जैसे ही आप यहाँ पे ओके बटन प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे आपके पेजेस का प्रीव्यू फर्स्ट पेज देखिए टॉप पे आ रहा है, और उसके नीचे ही आपको दूसरा पेज आ रहा है। आइए देख लेते हैं अब इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकाल के। तो देखिए, मैंने इसका डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकाला, तो आप देख सकते हैं इस डॉक्यूमेंट में जो इसका प्रिंट आया है वो बिल्कुल परफेक्ट आया है, और इसका साइज बिल्कुल परफेक्ट आया है, मतलब एक पेज एक ऊपर आया है और इसके नीचे ही आपका यहाँ पे दूसरा पेज आ गया है। तो इस ढंग से आप अपने डॉक्यूमेंट की सेटिंग कर सकते हैं, चाहे आपका पेज पोर्ट्रेट में हो या लैंडस्केप में हो। अब दोस्तों, कंप्यूटर सीखने हो गया और भी आसान, क्योंकि हमारी खुद की मोबाइल ऐप आ गई है। हमारी मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, क्रिएटिव लर्निंग बाय रितेश के नाम से। जैसे हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे, आपको हमारे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जो जो लॉन्च हुए हैं बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में। तो जैसे आप हमारे कोर्सेज में यहाँ पर इनरोलमेंट करेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोज़ देख के अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, और आपको सारी वीडियोज़ का लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। मतलब आप एक बार पेमेंट करेंगे और यहाँ पे आप वीडियो को एक्सेस कर पाएंगे बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए। तो अभी कर लीजिए हमारे कोर्सेज में एनरोलमेंट, क्योंकि क्या पता कौन सी चीज कब काम आ जाए।